पूनम पांडे ने फाइल की है पिटीशन अगेंस्ट राज कुंद्रा। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बुगल बॉलीवुड और मैं हूं मोनिका। भैया आपको बता दूं कि पूनम पांडे, जिन्हें बॉलीवुड की सेंसेशन सेलिब्रिटी माना जाता है, उन्होंने राज कुंद्रा के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की है। वेल, बात स्टार्ट होती है आर्म्स प्राइम मीडिया से। जी हाँ, आर्म्स प्राइम मीडिया जो कि सेलिब्रिटीज के लिए ऐप बनाता है, उन्होंने डील साइन की थी पूनम पांडे के साथ, पर एक महीने बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से पूनम पांडे ने वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। वेल, आप सोच रहे होंगे कि इस बात में राज कुंद्रा कैसे आए। जी हाँ, राज कुंद्रा इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हुए थे और उनकी कंपनी यानी कि राज कुंद्रा की कंपनी इस कंपनी को मैनेज भी करती थी। आपको बता दूं कि जो ये ऐप है, इसमें उनका पर्सनल नंबर लीक किया गया, साथ में लिखा गया यू कॉल मी एंड आई विल स्टे। वेल, जब से फोन नंबर लीक हुआ, तब से ही पूनम पांडे के फोन नंबर पे अलग अलग लोगों ने मैसेज किए और काफी भद्दे मैसेज किए, और साथ साथ उन्हें वल्गर इमेजेस भेजी, वल्गर टेक्स्ट भेजे, जिसकी वजह से पूनम पांडे का कहना है कि उन्हें काफी ज्यादा मेंटली हैरास किया गया। उन्होंने कहा कि वो 3 महीने के लिए बाहर भी चली गई ताकि ये सब बंद हो जाए, पर जब वो वापस आए फिर से ये सिलसिला जारी रहा। पूनम पांडे ने ये भी बताया कि जब वो आई वापस इंडिया में, तो उन्होंने सौरभ कुशवाहा के साथ अपने नए नंबर पे कांटेक्ट किया और उन्हें कहा कि ये सारे मैसेज प्लीज डिलीट करवा दीजिए। पूनम ने कहा कि जैसे ही ये सब हुआ, फिर से उन्हें मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए। वेल, आपको बता दूं कि सौरभ कुशवाहा एसोसिएटेड विद है राज कुंद्रा की कंपनी के साथ। वेल, उसके बाद जब ये सब हुआ तो पूनम पांडे ने FIR लॉन्च करवाने की सोची मुंबई पुलिस में, पर मुंबई पुलिस ने कोई भी FIR फाइल करने से मना कर दिया। वेल, अब वो पहुंची है मुंबई कोर्ट में। जी हां, उन्होंने मुंबई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और पिटीशन डाली है अगेंस्ट राज कुंद्रा। अगर बात करें आर्म्स प्राइम मीडिया के लॉयर की, तो आर्म्स प्राइम मीडिया के लॉयर का ये कहना है कि अभी तक उन्हें पता चला है कि बस पिटीशन ही डाली है, पर अभी तक उनके पास कोई कॉपी नहीं आई है। जब उन्होंने कहा कि उनके पास कॉपी आएगी तो वो इसके साथ डील कर लेंगे। और वहीं राज कुंद्रा का अपने डिफेंस में कहना है कि उन्होंने 2019 में ही अपने शेयर निकाल लिए थे और वो शेयर उन्होंने बेच दिए हैं। अगर बात करें पूनम पांडे की, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि किसी को भी कोई हक नहीं है मेरी प्राइवेसी को अफेक्ट करने में। वेल, आप क्या सोचते हैं पूनम पांडे की इस पिटीशन के बारे में, हमें जरूर बताएगा इन कमेंट सेक्शन। वेल, दैट्स इट फॉर टुडे। फॉर मोर बॉलीवुड अपडेट्स कीप वॉचिंग बुगल बॉलीवुड।